हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 8 सितंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अगेन इंडिया एंड बांग्लादेश के बायलेटरल रिलेशन, द्विपक्षीय संबंधों के बारे में डिस्कस किया गया है। रिलेशन में बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर 5 से 7 सितंबर के बीच में इंडिया की विजिट पर आई और यहाँ पर पर्टिकुलर बात किया गया। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में लगभग 7 एग्रीमेंट हुए अलग अलग फील्ड के अंदर, जो इंडिया और बांग्लादेश दोनों कोलैबोरेशन करेंगे, कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे को। यहाँ पर बात किया गया है न्यू दिल्ली ढाका, यानी इंडिया और बांग्लादेश ने गंगा पैनल जो बनाया गया गंगा वाटर को लेकर, इसको लेकर हेल किया यानी उसकी तारीफ करी है। बेसिकली 1996 में गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी हुई थी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, उसको लेकर जो पैनल बना हुआ है और एक जॉइंट टेक्निकल कमेटी जो बनाई गई है ताकि इसको स्टडी किया जा सके और इसको लेकर एक स्टेटमेंट लास्ट, क्योंकि ये लास्ट डे था, थर्ड डे भी था और लास्ट डे था प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की विजिट का, तो इसके अंदर गंगा टेक्निकल कमेटी के अंदर कई सारे इनिशिएटिव के बारे में डिस्कस किया गया और मेजर इशू है कनेक्टिविटी और एनर्जी इनिशिएटिव को लेकर, राइट। 1996 में जो एग्रीमेंट हुआ था ये 30 साल बाद यानी 2026 में इसमें रिव्यू या रिन्यू करने की पॉसिबिलिटी है। इनके अलावा इंडियन साइड ने जो अर्जेंट इरिगेशन रिलेटेड रिक्वायरमेंट है त्रिपुरा के अंदर, उसको लेकर भी जो रिवर फेनी है इसके बारे में भी इश्यूज को रेज किया और अर्ली साइन इंडिकेट करते हैं कि वाटर शेयरिंग को लेकर जितने भी पेंडिंग इश्यूज है उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। और वाटर शेयरिंग को लेकर जो पेंडिंग इश्यूज की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे बड़ा है तीस्ता वाटर रिवर को लेकर और उसके बारे में सॉर्ट आउट करने के बारे में उम्मीद है। यहाँ पर जब तीस्ता के बारे में बात करते हैं तो ये राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज होगी ब्रह्मपुत्रा की, क्योंकि जैसे अगर आप ब्रह्मपुत्रा का कोर्स देखेंगे तो ऐसे चाइना से होते हुए अरुणाचल प्रदेश, असम और फिर ये बांग्लादेश में जाती है, तो ये जो राइट हैंड से जो अगर आप देखेंगे यहाँ से ये ब्रह्मपुत्रा के अंदर जो है इंटर करती है, ब्रह्मपुत्रा से कनेक्ट होती है। कई बार राइट हैंड लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज को लेकर सवाल हुए हैं तो इस तरह के सवाल भी हो सकते हैं, राइट। इसके ठीक नीचे एक टॉपिक डिस्कस किया गया, बेसिकली इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बिजनेस फॉर्म की एक मीटिंग थी, उसके दौरान भारत के फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है कि हमारी पहली प्रायोरिटी होगी जॉब्स ग्रोथ, ये की प्रायोरिटीज के अंदर होगी और इन्फ्लेशन हमारी की प्रायोरिटीज नहीं है। ऐसा क्यों बोला गया, क्या इंटेंशन है, क्या इसके मतलब है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बताया गया कि देश के अंदर जॉब क्रिएट करना सबसे पहली प्रायोरिटी होगी, सेकेंड हमारी प्रायोरिटी होगी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी संपत्ति को एक तरीके से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। इसके अलावा यहाँ पर यह बताया गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तीन ऐसे एरिया जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगले कुछ समय में काम करने वाली, ये प्रायोरिटीज होगी। जहाँ तक बात है इन्फ्लेशन की तो इसको रेड लेटर नहीं कहा गया कि भाई इन्फ्लेशन पर अर्जेंट काम करने की रिक्वायरमेंट है। इन्फ्लेशन महंगाई की जब स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ती है, यानी महंगाई एक वर्ड यूज होता है और एक और इन्फ्लेशन के लिए वर्ड यूज होता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है एज कम्पेयर टू महंगाई, क्योंकि महंगाई में जैसे 10 रुपये की चीज़ें 11 रुपये हो रही है तो ये महंगाई आप कह सकते हैं, लेकिन अगर 10 रुपये की चीज़ 11, 12, 13 इस तरीके से लगातार इंक्रीज हो रही है तो इसको आप इन्फ्लेशन की या मुद्रास्फीति की कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। यहाँ पर सरकार ने बताया कि ये मैनेजेबल लेवल पर है और जुलाई महीने में जो इन्फ्लेशन है, हालांकि अपर टॉलरेंस लिमिट है 4 से 6%, 6% उससे ऊपर है, लेकिन अभी भी ये बोला गया कि रिड्यूस हुई है। इसके अलावा इंडिया की इकोनॉमी जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है दुनिया की और आने वाले टाइम में हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी। अगर इंडिया और यूनाइटेड स्टेट दोनों मिलकर काम करेंगे तो दुनिया की 30% ग्लोबल इकोनॉमी का एक तरीके से शेयर रखेंगे और बहुत सारे एरियाज के अंदर, यानी अगले 2 डिकेड के अंदर ये दोनों कंट्री अगर मिलकर काम करती है तो ग्लोबल ग्रोथ का एक इम्पॉर्टेंट इंजन होगा। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर जो है इंडिया आइडिया समिट करके समिट हो रही थी, वहाँ पर इसके बारे में डिस्कस कर रही थी। इसके अलावा अगले साल G20 की मीटिंग इंडिया के अंदर होने वाली, उसको लेकर भी अलग अलग इंस्टीट्यूशन जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो हेड है उनके साथ भी उन्होंने डिस्कशन किया, डायरेक्टर जनरल है उनके साथ भी कंसल्टेशन किया, तो ये कुछ एरिया जिसके बारे में डिस्कस किया गया है, राइट। इसके ठीक नीचे अगर आप देखेंगे इसी पेज पे फ्रंट पेज पे कि राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन्स को रीनेम कर दिया गया है एज ए कर्तव्य पाथ और इसको प्रपोजल दिया गया न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपल काउंसिल है, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही है पिछले कुछ टाइम में
और मे भी इस तरह के सवाल भी हो, क्योंकि दिल्ली के अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को लेकर एक अमेंडमेंट हुआ था, मेजर अमेंडमेंट हुआ था, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। यहाँ पर रीनेम किया गया, इस तरह के सवाल तो शायद ना पूछा जाए, लेकिन इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो आप लोगों नीचे कमेंट करना कि जो लोकल गवर्नमेंट में, अगर आप रूरल गवर्नमेंट हो या फिर अर्बन लोकल गवर्नमेंट हो, तो इसको लेकर कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं, और ख़ासकर अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए। इसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे अगर आप रूरल लोकल बॉडीज़ में देखेंगे तो 29 सब्जेक्ट आते हैं, तो अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर कौन कितने सब्जेक्ट आते हैं वो कमेंट करेंगे, यानी कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और सेकेंड जो है कितने सब्जेक्ट अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर आते हैं वो आप नीचे कमेंट करेंगे। इसके बाद पेज नंबर 8 पर टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट दोनों टॉपिक को ब्रीफ में देखेंगे। बेसिकली है क्या, एक तो विकिपीडिया में जो कंटेंट मॉडरेशन होता है उसको लेकर एक डिस्कस किया गया है कि क्या मैकेनिज्म विकिपीडिया फॉलो करता है इंश्योर करने में कोई अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, कुछ रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि अगर आप कोई कंटेंट को चेंज कर रहे हैं इसको लेकर। और सेकंड जो है टॉपिक डिस्कस किया गया यहाँ पर कि पैकेज्ड कमोडिटीज़ को लेकर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है इसके बारे में, तो दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ये विकिपीडिया वाला टॉपिक इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों हुआ। रिसेंट में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच था, और उस मैच में भारत की तरफ से जो बॉलर है अर्शदीप सिंह, वो बॉल एक तरीके से उन्होंने उनके थ्रू एक कैच ड्रॉप हुआ, जो कि बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि प्रेशर में कई बार इस तरह की चीज़ें होती है। उसके बाद उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें एडिट कर दी गई, जैसे उनके जो विकिपीडिया में उनके बारे में एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी गई कि वो खालिस्तानी है, इस तरह की चीज़ें, और इसको लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी सख्त हुई कि भाई इस तरह की चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी है राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने ट्वीट किया कि इस तरह की चीज़ें या इस तरह की जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, और विकिमीडिया फाउंडेशन को एक तरीके से इंडिकेट किया गया कि डिटरमाइन करिए कि आपकी रोल एंड लाइबिलिटीज़ क्या होगी इस पूरे सिनेरियो में, तो इसके बारे में डिस्कस किया गया। तो ये स्टोरी है जिसके बारे में बताया गया कि ये रीज़न क्या है, और कंटेंट मॉडरेशन को लेकर विकिपीडिया क्या फॉलो करता है क्या नहीं, विकिपीडिया को लेकर कई बार एक तरीके से डिस्प्यूट रहा है, और इसमें चाहे वो उनकी फंडिंग का इश्यू हो या फिर एक तरीके से कंटेंट को लेकर मॉडरेशन को लेकर जो इश्यूज हो। इसके ठीक नीचे जो एक टॉपिक डिस्कस किया गया है वो है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर पैकेज्ड कमोडिटी, यानी जितनी भी पैकेज्ड कमोडिटी होती है उसके लिए क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है, और इसके अलावा यहाँ पर किन किन एरिया में कौन कौन सी ऐसी लिस्ट है जो कंस्टिट्यूट करती है कि फ्रंट पैकेजिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। ये सवाल आई थिंक UPSC ने एक बार पूछा था कि किन किन इन्ग्रीडियंट्स को इंक्लूड किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें आपको किसी पैकेज प्रोडक्ट के अंदर देखने को मिलती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर लीगल मेट्रोलॉजी डिवीजन जो है, इन्होंने एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट किया है लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटी रूल 2011 के अंदर, और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने सजेस्ट किया है कि 2 प्राइम कंपोनेंट होने चाहिए जो डिक्लेयर किए जाना चाहिए पैकेज के फ्रंट साइड पे अलोंग विद द ब्रांड नेम। ठीक है, करंटली मैन्युफैक्चरर एक लिस्ट उसके अंदर होती है इंग्रेडिएंट्स की होती है, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन होती है, और इसको लेकर पब्लिक कमेंट जो सोलिसिटेड किए गए कि सारे स्टेक होल्डर हो, जिसमें इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, कंज्यूमर, वॉलेंट्री कंज्यूमर, वो अपना ओपिनियन दे। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर लीगल मेट्रोलॉजी डिवीजन इन्होंने नोटिफाई किया कि ड्राफ्ट अमेंडमेंट टू द लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटी रूल 2011, इनको एक नोटिफिकेशन के थ्रू, और इसमें बताया गया कि इस डिवीजन ने ऑब्जर्व किया कि मैन्युफैक्चरर, पैकेजर्स, इम्पोर्टर जो है वो अभी भी क्लियरली लेबल जो डिक्लेयर करने होते हैं नेसेसरी उसके बारे में इंडिकेट नहीं करते हैं फ्रंट पैकेज कमोडिटी को लेकर, और इसको लेकर ही यहाँ पर अमेंडमेंट में या कुछ बदलाव करने के बारे में सजेशन मांगी गई हैं। यहाँ पर कई सारी चीज़ें जैसे मेंशन करनी होती है कि भाई पहली बात तो ये बताइए कि डिक्लेरेशन में कि आपका नेम क्या है, और जहाँ पर ये मैन्युफैक्चर पैकर इंपोर्ट हुआ है वो उसका एड्रेस कहाँ से है, किस कंट्री ऑफ ओरिजिन आपको बताना कि किस कंट्री से ये प्रोडक्ट आपने मंगाया है, कॉमन और जेनरिक नेम क्या है कमोडिटीज़ का, नेट क्वान्टिटी क्या है, मंथ और ईयर क्या है मैन्युफैक्चरिंग का, मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या होता है, कंज्यूमर केयर इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ती है। इसके बारे में ही यहाँ पर भी डिस्कस किया गया, बाकी किस रोल में किस एरिया में एक इंडिकेट करता है उसके बारे में बताया गया,
और अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते तो भाई अब राइट टू बी इन्फॉर्म्ड इसका क्लियरली वॉयलेशन करते हैं, उसको लेकर भी डिस्कस किया गया। इसके बाद पेज नंबर 10 पे बात करेंगे। यहाँ पर कैबिनेट कमेटी ने एक तरीके से कैबिनेट ने अप्रूव किया पीएम श्री स्कीम। ये बेसिकली एजुकेशन को लेकर स्कीम होगी जिसमें गवर्नमेंट स्कूल को सिलेक्टेड किया जाएगा। अगर कोई राज्य नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को एंटायरली इम्प्लीमेंट करता है तो उन गवर्नमेंट स्कूल को जो सिलेक्ट किया जाएगा पीएम श्री स्कीम के अंदर, तो इसके बारे में डिस्कस किया गया। तो यूनियन कैबिनेट ने एक स्कीम को अप्रूव किया है पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री जिसको बोला गया है, कि जिन स्टेट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 को लागू किया है और इसको लेकर 27,360 करोड़ की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये जो वर्ड यूज़ किया गया है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसका मतलब होता है कि ये एंटायरली फंडिंग नहीं होती सेंटर के द्वारा, एक स्पॉन्सर की जाती है किसी भी स्कीम को, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हिस्सेदारी होगी वो होगी 18,128 करोड़ रुपये, राइट। इसके अलावा इसके बाद बताया गया कि स्कूल केवल तभी सिलेक्ट किए जाएंगे जब आप कम्प्लीटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसके अलावा बताया गया कि इसका मेन मकसद है कि स्पेसिफिक क्वालिटी पैरामीटर्स के बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम करने वाली है, और इसके बाद इसमें प्रोग्रेस को एक तरीके से असेस किया जाएगा कि क्या आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है। 2020 में भारत सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको अडॉप्ट किया था, लेकिन इस स्कीम का काफ़ी स्टेट विरोध करते, खासकर तमिलनाडु राज्य काफ़ी विरोध करता है। इसमें कई रीजन है। तमिलनाडु ये बोलता है कि भाई इस स्कीम के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, पूरी तरीके से एजुकेशन को सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन एजुकेशन तो एक सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट के अंदर, राइट। जब आप यूनियन या फिर स्टेट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट को डिवीजन करते हैं तो उस सेवन शेड्यूल के अंदर, तो उसमें आता है ये स्टेट सब्जेक्ट के अंदर। इनके अलावा आप एनफोर्स कर रहे हैं थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को, कि लोकल लैंग्वेज होगी एक हिंदी होगी या फिर एक तरीके से इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश हो सकती है। इनके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि मैंडेटरी स्कूल एंट्री होगी थ्री ईयर के लिए, इस तरह की चीज़ों को लेकर हो, ये कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसके अलावा वोकेशनल कोर्सेज को आप प्रमोट कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि फॉर्मल एजुकेशन जो है उस पर इसकी कॉस्ट जो है इंक्रीज करेगा। यानी वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करना दिक्कत नहीं है, पहले ही एजुकेशन का बजट बहुत कम है, तो फॉर्मल एजुकेशन के लिए बजट कट करके आप उसको वोकेशनल एजुकेशन में शिफ्ट करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा एग्जिट ऑप्शन की आप क्लास 10 में एग्जिट करिए फिर री एंटर करिए 11th में, ये तो और भी ख़राब सिचुएशन क्रिएट करती है। इनके अलावा ये बताया गया कि स्कीम के अंडर 2 करोड़ रुपये हर स्कूल को मिलेंगे, डायरेक्टली स्कूल के अकाउंट में जाएंगे, वहाँ के प्रिंसिपल और जो भी लोकल कमेटीज होगी वो एक तरीके से ऑथराइज होंगी कि 40% तक फंड का इस्तेमाल कर सकता है। पीएम स्कीम्स सीरीज स्कीम जो है ये स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क को भी प्रोवाइड करता है ताकि एक डेवलपमेंट किया जा सके, मेजर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को जो कैरी आउट करेंगे क्वालिटी एवोल्यूशन को स्कूल में, जो कि करंट एकेडमिक ईयर के लिए सेलेक्ट किए गए हैं। इसके अलावा क्वालिटी पैरामीटर्स की अगर हम बात करते हैं कि जैसे ही कोई एवेल्यूट किया जाता है तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करते हैं, स्टूडेंट रजिस्ट्री चाहे वो ट्रैकिंग एनरोलमेंट हो या लर्निंग प्रोग्रेस हो, इसके अलावा लर्निंग आउटकम में इम्प्रूवमेंट की बात हो हर बच्चे की, उसको हासिल करना चाहे स्टेट और नेशनल लेवल की हो, स्कूल और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को करेक्ट करना, लोकल एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं मेंटरिंग करना, इन सब चीज़ों को लेकर इंडिकेट करेगी। और भारत की हेरिटेज, भारत की वैल्यू और जो सोसाइटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशनल बिल्डिंग को लेकर इस पर काम करेंगे। जब ये स्कीम इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है तो इसमें क्रिटिसिज्म भी होता है पॉलिटिकल फ्रंट पे भी और वैसे भी, कि अगर आप स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि हम 14,500 स्कूल में इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन देश में तो सरकारी स्कूल की संख्या जो 10 लाख से ज़्यादा है, तो केवल 14,500 ही क्यों? और रिसेंट में दिल्ली के जो सीएम है उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट स्कूल जो है बहुत सारे राज्यों में ऐसा हो गया कि जैसे स्क्रैप यार्ड की तरह, जैसे कबाड़ खाना की तरह है। और कई बार ये वर्ड भले ही गलत लगे लेकिन एक हरेस रियलिटी है कि भारत में गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, खासकर प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल जो है, इनकी हालत खासकर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, और इसको लेकर इमीडिएट अटेंशन की रिक्वायरमेंट है। जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं
2020 में लागू की गई, लेकिन उस टाइम पे भी अभी भी अनाउंसमेंट हुआ कि 6% जीडीपी का खर्च करेंगे। ये बहुत पहले से प्लान है, लेकिन 6% आज तक जो वो खर्च नहीं किया गया, तो एक बड़ी प्रॉब्लम है एजुकेशन को लेकर, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने को लेकर। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बार बार डिस्कस कर रहे हैं, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जब लागू की गई थी, तो इसको लेकर रिकमेंडेशन करने वाली, यानी ये जो पॉलिसी बनाई गई थी, तो उस कमेटी को हेड किसने किया था, या कौन सी कमेटी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर रिकमेंडेशन किया था, ये आप नीचे कमेंट करेंगे। इसके बाद पेज नंबर 12 पे अगर हम बात करते हैं, तो पहली बात, इंडियन आर्मी अंडरटेक करेगी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइव जो अरुणाचल प्रदेश में LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या चाइना बॉर्डर के आसपास का जो एरिया है, वहाँ पर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर को जो क्रिएट किया जाएगा। इसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, एविएशन फैसिलिटीज होगी, इनको अपग्रेड किया जाएगा, और कम्युनिकेशन को प्लान किया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई कि जब हम बात करते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की या इंडिया चाइना के बॉर्डर को लेकर, तो त्वांग सेक्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इसमें इंडियन आर्मी जो है कैपेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर काम करने वाले। इसमें रोड्स बनेंगे, ब्रिज, टनल्स, हैबिटेट स्टोरेज फैसिलिटी, एविएशन फैसिलिटी, इन सब चीज़ों के अलावा यहाँ पर कम्युनिकेशन और सर्विलेंस फैसिलिटी को अपग्रेड किया जाएगा, खासकर अपर दिबांग वैली रीजन के अंदर, ये जानकारी दी गई है। और 5 वर्टिकल्स पर काम किया जाएगा, जिसमें हैबिटेट, एविएशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशन लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हम स्ट्रेटजिक रोड्स के बारे में बात करते हैं, तो ये कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा और खासकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और इसके अलावा बहुत सारे जो कनेक्टिविटी होगी वो आर्मी के द्वारा की जाएगी। इसका जो बेनिफिट है वो सिविल पॉपुलेशन को भी मिलेगा, और इसमें फॉरेस्टेड एरिया जो है लोहित और सियांग, इन एरिया को भी मिलेगा। अगर आप अरुणाचल प्रदेश की ज्योग्राफिकल लोकेशन को ऑब्जर्व करेंगे, तो अरुणाचल प्रदेश की ज्योग्राफिकल लोकेशन अपने आप में यूनिक है। पहली बात तो इसमें क्लाइमेटिक वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और अरुणाचल प्रदेश को लेकर चाइना कई बार कई सारे ऐसे स्टेप लेता है, जैसे एक तो अरुणाचल प्रदेश पर क्लेम करते हैं कि पर्टिकुलर हमारे एरिया, इन्होंने इवन रीनेम कर दिया था कुछ एरियाज़ को। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर को लेकर एक स्टेपल वीज़ा कंसेप्ट आता है कि भाई आपके लिए पर्टिकुलर वीज़ा होगा, भारत इसका विरोध करता है, और इसी विरोध में जब इन्होंने रीनेम किया कि अरुणाचल प्रदेश तो चाइनीज़ टेरिटरी के अंदर आएगा, उसके बाद से इंडिया के डॉक्यूमेंट्स में वन चाइना पॉलिसी वर्ड यूज़ नहीं होता। अभी भी आप देखोगे ताइवान को लेकर जो डिस्प्यूट हुआ था चाइना और यूएस के बीच में ताइवान को लेकर, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी इंडिया ने एक इम्पॉर्टेंट बात बोली थी कि हम रिएट्रेट नहीं करते, बार बार एक चीज़ का डिस्कशन नहीं करते। चाइना ये चाहता था कि वन चाइना पॉलिसी का डिस्कशन इसके अंदर किया जाए, लेकिन इंडिया ने ये बोला कि जो चीज़ हम पहले डिक्लेयर कर दिया, बार बार रिपीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा कोल प्लांट्स को लेकर जो इश्यूज़ है उनके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने थर्ड टाइम एक तरीके से अपनी डेडलाइन को एक्सटेंड किया, खासकर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस के फिक्सिंग को लेकर। और इसमें बताया गया कि पोल्यूशन, जब हम पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ताकि एमिशन को रिड्यूस किया जा सके, इसको लेकर एनवायरनमेंट एंड क्लीन एनर्जी एक्टिविस्ट जो है क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि भाई भारत सरकार तो लगातार कोल प्लांट्स को इंस्टॉल करने के मामले में अपनी डेडलाइन को एक्सटेंड कर रही है, और डेडलाइन ये था कि 2024 से 2026 तक हम लोग रिड्यूस करेंगे, बट अभी ये डेडलाइन को आप बार बार एक्सटेंड करेंगे, तो जो कोल पावर प्लांट्स होते हैं उसकी वजह से जो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या मरकरी, इनकी जो एक तरीके से पोल्यूशन रेज होता है या इनकी ये जो इंक्रीज होता है और ये ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन होता है, तो इसको रिड्यूस कैसे करेंगे, और जो टारगेट हमने सेट किए हैं वो टारगेट पूरा कैसे होंगे, जिसका इम्पैक्ट चाहे वो NCR रीजन हो या फिर अलग अलग रीजन, वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। और इसमें सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इन्होंने कहा कि भाई आप इसके बारे में बताया गया कि ये बेसिकली जो साइंस एंड केमिस्ट्री होती है या इसमें बेसिक रोल होना चाहिए रिड्यूस करने को लेकर, आप उसको काम नहीं करें, इसका क्रिटिसिज्म किया गया बेसिकली जो एक्टिविस्ट है रिन्यूएबल एनर्जी या फिर क्लीन एनर्जी को लेकर उनके द्वारा। इसके ठीक नीचे WHO की एक मीटिंग हुई और साउथ ईस्ट एशिया को लेकर भूटान के अंदर, इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया गया कि हमें प्रिवेंट करना पड़ेगा दुनिया भर को कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को रिड्यूस किया जाए। अब ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप देखेंगे
जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, कैंसर, डायबिटीज़, कॉर्निक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, या बड़ी संख्या में डेंटल केरीज की वजह से, हेल्थ कंडीशन की वजह से, जो ओरल हेल्थ कंडीशन या आई केयर, ये ऐसे डिजीज जो वायरल स्प्रेड नहीं होते लेकिन एक बड़ा नंबर रखते हैं और बड़ी संख्या में लोगों की डेथ होती है। 2/3 टोटल डेथ्स में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का नंबर आता है, जैसे यहाँ पर डायबिटीज़ है या कॉर्निक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, इस तरह के डिजीज़ इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। कैंसर हो गया, कार्डियोवास्कुलर हो गया, ये सारे डिजीज़ आते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर। इसके बाद पेज नंबर 13 पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मेंशन किया गया कि चाइना और रशिया के प्रेसिडेंट, इनकी बातचीत होने वाली है उज्बेकिस्तान में, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग जो है होने वाली है। इसके अलावा भारत के प्राइम मिनिस्टर भी इस मीटिंग के अंदर हिस्सा लेंगे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि 8 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जिसमें 4 सेंट्रल एशियन कंट्री आती है, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, रशिया, टोटल 8 कंट्रीज आएंगी। 4 सेंट्रल एशियन कौन सी वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इन कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस किया गया कि दोनों कंट्रीज़ ने, रशिया और चाइना ने, अपने रिलेशन को नो लिमिट्स में रखा, यानी हमारी रिलेशन में कोई लिमिट्स नहीं होगी। 15-16 सितंबर को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की उज्बेकिस्तान के अंदर मीटिंग होगी। चाइना के प्रेसिडेंट की फिजिकल अपीयरेंस क्या इंडिकेट करती है, म्यांमार में 2020 के बाद से ये कहीं पर भी नहीं गए पूरे कोविड टाइम में, और इसलिए विशेष है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर जाएंगे, व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करेंगे साइडलाइंस में। हालांकि चाइना के प्रेसिडेंट से मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसके बारे में कंफर्म नहीं है, क्योंकि लास्ट जो ब्राज़ील के अंदर समिट हुई थी ब्रिक्स की, उसमें मुलाकात हुई थी। ब्रिक्स का मतलब है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक अलायंस। तो ब्रासिलिया एक इम्पोर्टेंट सिटी है ब्राज़ील की, वहाँ पर इनकी बातचीत हुई थी। अभी तक ऐसा, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में बायलेटरल डिस्प्यूट है, खासकर बॉर्डर को लेकर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में ईस्टर्न लद्दाख में, उसके बाद से चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हुई है। इंडिया के लिए विशेष है क्योंकि 2023 में चेयरमैनशिप जो है हमारे पास होगी इस पूरे सिनेरियो की, इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की, राइट। अब अगर हम ज्योग्राफिकली देखेंगे तो ये समिट होगी उज्बेकिस्तान में, ठीक है। तो सेंट्रल एशियन की ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 4 कंट्री आएगी। तुर्कमेनिस्तान इसकी मेंबर कंट्री नहीं है, हालांकि इसकी बाउंड्री तुर्कमेनिस्तान से भी लगती है, अफगानिस्तान से भी लगती है, ये इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन है। अब आप लोगों के लिए सवाल है, ये जो तुर्कमेनिस्तान है, ये तुर्कमेनिस्तान इस ग्रुप का मेंबर है क्यों नहीं? आपको क्या लगता है, क्या रीज़न हो सकता है कि तुर्कमेनिस्तान जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है? और यहाँ पर आप देखेंगे उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, इसके बीच में ये हल्की सी ब्लू कलर की जो वाटर बॉडीज आपको दिख रही है, इस वाटर बॉडीज को आप आइडेंटिफाई करना है कि ये बेसिकली है क्या, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 14 पे, पेज नंबर 14 पे ये अगेन रिपीट किया गया है कि इन्फ्लेशन जो अभी रेड लेटर नहीं है, और गवर्नमेंट जो जॉब क्रिएशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रोथ, इन एरियाज पर काम करेगी, जैसा कि हमने फ्रंट पेज पर डिस्कस किया। इसके अलावा राइट हैंड साइड में एक और न्यूज़ है कि इंडिया ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से एक सपोर्ट मांगी है कि G20 को जब हम चेयर करेंगे 2023 में, 2022 से 23 तक, और दिसंबर के आसपास हमारे पास चेयरमैनशिप आएगी, तो इस पूरे सिनेरियो में G20 मेजर इकोनॉमीज का एक ग्रुप है, इसको लेकर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो टॉप बॉस है क्रिस्टालिना जॉर्जिया, इनके साथ डिस्कस किया गया कि भाई जब हमारे पास चेयरमैनशिप आएगी, प्रेसिडेंसी आएगी, तो इसको लेकर कई सारे कंसर्न दुनिया में जैसे हैं, उनको लेकर कैसे डिस्कस करना है, चाहे डेट की प्रॉब्लम हो या फिर क्लाइमेट चैलेंजेस की प्रॉब्लम हो, इन सब एरियाज़ को लेकर, और इंडिया के इन एरियाज़ के अंदर इन एजेंडाज पर काम करने वाला, और आने वाले टाइम में कुछ और एजेंडाज भी हो सकते हैं जब इसकी समिट होगी। 2023 इंडिया के लिए बहुत विशेष है, और दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसकी मीटिंग इंडिया में होगी वो होगी G20 और सेकंड है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। दोनों के दोनों बहुत विशेष हैं, इनको लेकर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सवाल आपको प्री और मेंस दोनों में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू ऑल, जय हिंद।